गैंग इकट्ठा हो चुका है जो कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड है। इन्होंने एमाजोन अज तक मैं उसका कोई सबूत नहीं मेरे को, पर मेरी अंदर अंतरात्मा कहती है कि हो सकता इन्होंने एमाजोन वर्गी चीज़ा भी इन्होंने खुद जो कि किसी के पिछे ला के जिन्होंने आप इल्यूमिनाटी कह दें आप देखे नहीं उन्हां पिछे ला के वो चीज़ा साड़तियां हो शायद कल असीं ऑक्सीजन भी बेचा करांगे वो धरती के फेफड़े से जो कारपोरेट किसी फील्ड आते हैं ना तो वो इन्नी तैयारी आते हैं अपन ये लगता है भी अपने बच्चे अपन आईलैट्स करा के बाहर भेज रहे हैं वो सैटल हो रहे हैं वो सैटल नहीं हो रहे वो खाली किया जा रहा है प्रोग्राम सारा अपने अपने लिए खेती घाटे का सौदा हो सकती है क्यों क्योंकि आप दो पांच दस दस भी किल्लों बंडे हुए हैं है ना जो खेती एक जिमें आप सुनते हैं भी बाहरले मुल्कों के खेती की जाती है बड़े फार्म हाउस बना के है ना बड़े बड़े हज़ार हज़ार पांच हज़ार किल्लों के फार्म बना के चलो अपनी सरकार उस लिए तो चली है पर ये की है भी जे यही चीज़ वो अपने थ्रू करा असं मान लो 90 के आसपास के जोड़े दहाके के बॉर ना आप जोड़े है ना अपने मन च कितना कि माड़ा मोटा दर्द खेतों लिए है आप हले भी खेतों बह के दुख सुख करते हैं जब कद बंदा उदास हों खेत चला जाता जो कि ज़्यादा खुश होंने तो आप पार्टी भी हले खेत बैठ के करते हैं अपने चीज़ हैगी है मैनू यह लगता जी अपनी अगली जनरेशन है ना उन्होंने इन्होंने बिल्कुल ही तोड़ दिता खेतों को हूँ तुम देखो आ करोना पिछे सारा कुछ बंद रहा तालाबंदी रही है ना पूरी दुनिया बंद होगी सारे के सारे व्यापार बिजनेस घाटे चले गए खेती ने ग्रो किया ना पिछले टाइम चीज़ देखोगे जिड़िया भी पिछली बार आलू की फसल आई वो कीमत वधी हरेक चीज़ की मान लो खेती ने चंगी तरह ग्रो किया पर ग्रो कर फायदा जिमीदार नहीं होंगे क्यों तुम आह देखो ये आप देखिए तो यह घट्टो घट मैं लगता 10-20 हज़ार दुकानदारों का कम लैंता होगा एडे एडे एक एक शहर से खुल के तो इन्होंने कुछ छड़ने नहीं पले है ना पंजाब के किसान इस लैवल से इन्ने मेहनती बंदे ने भी उन्होंने पहाड़ों की भी पद्धर कर लिया उत्थे भी होने लग गए राजस्थान के रेत्या जाके भी उन्होंने फसल होने ला दी है ना। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो आर एम बी टैलीविज़न मैं तुहाड़ा दोस्त रतनदीप सिंह धालीवाल। किसानी मुद्दा चल रहा है पंजाब दे विच किसानां दी जिंद ते बनी हुई है सारे पंजाब दे विच अज असीं इस मुद्दे दे विच तुहानूं दो ऐसे नौजवानों दे नाल मिलावांगे एक भाई सुखजीत बराड़ जो कि आस्ट्रेलिया तो आए ने पहला पॉलिटिक्स का हिस्सा भी रहे ने पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच प्रेजिडेंट भी रहे ने ते दूसरा नौजवान बिल्ला धालीवाल जो कि उग्गा लिखारी है आओ करते हैं आप बई होना दे नाल गलबात जानते हैं उन्होंने इस मुद्दे के उत्ते किसानी मुद्दे के उत्ते की रहे है। बई जी स्वागत आर एम बी धन्यवाद जी सारे पंजाबियों का सत श्री अकाल जी सारे नूं। बई जी तुसीं बाहरों आए हो आस्ट्रेलिया तो हुण पिछले दिन ही तुसीं वापस भी जाना सी पहला दस सकते हो भी इत्थे हुण तुसीं वापस नहीं जा रहे इत्थे रहण दा कारण की आ? ऐसा जिवें ब्रदर तुहानूं पता ही है कि हुण साडी होंद ते गल आ चुकी हैगी हुण साडी पंजाब करके होंद है इत्थे ही असीं जुड़े हां इत्थे जम्मे पले हां कोई भी पंजाबी मैं कल्ला ही नहीं जो भी बाहर बैठा उन्होंने सारे की होंद इत्थे है कोई भी नहीं ये गल सोचता चलो जो उत्थे बैठे हो सकता कोई लॉकडाउन करके फसे हो बट हरेक बंदा यही तराह कर रहा कि असीं अज इत्थे आईए चाहे उन्होंने 50 साल तो कोई बंदा बाहर बैठा चाहे 100 साल तो बैठा जिन्नियां मर्जी जनरेशन हो गई पर वह अपनी धरती दे नाल अटैच है तो उन्होंने हरेक नूं पंजाब दा दर्द है सो ये है कि जे अपनी होंद खत्म होंगी है तो उत्थे असीं जो मर्जी कुछ भी बना लीए तो मटीरियल है वह कुछ भी नहीं इट्स नथिंग फॉर अस सो यदा मतलब यही है कहने का मतलब कि जो अपनी होंद के लिए अज असी इतने सानू मतलब कि वापस जा ही नहीं सकते किसी भी तरीके अंदर सानू इजाजत नहीं दिंदा जमीर इजाजत नहीं दे रहेगी। भाई जी तुसी यूनिवर्सिटी की एक्टिव पॉलिटिक्स के हिस्सा भी रहे हो प्रेजिडेंट भी रहे उत्थे जिहड़ी मतलब आपां होंद दी गल करदे आ कोई सिंगर ला लीए गीतकार ला लीए कोई समाज सेवी ला लीए जां जिहड़ा इह मुद्दा चल रहा चाहे आपां किसान यूनियन वाले ला लीए होंद दी गल आउंदी आ तुहानूं की लगता वी जिहड़ी होंद दी गल आ ये हुण तो नहीं है तो पहलां तो अपनी होंद ते बहुत टाइम दीआं राजनीतियां घड़ियां जा रहियां हैं अपनी होंद नूं खत्म करन दे लई तुहानूं की लगता भी जिम्मेवार असल दे विच कौन आ क्योंकि जो आप इहदे नाल भी आप गल करते हैं सारे राजनीतिक बंदियां दे उत्ते ठिकरा मूधा मार दिंदे तुहानूं इह नहीं लगता भी कितें ना कितें आप खुद भी जिम्मेवार आ? बिल्कुल ब्रदर क्योंकि राजनीतिक लोग जो गए आ वो साडे विचों गए हैगे उन्होंने चुन के असी भेजा समाज जहर जहा होगा वह जो साडे पॉलिटिशियन होणगे जो असी नुमाइंदे साडे चुने वो साडे चो निकल के गए आ जो समाजिक कदरां कीमतां असी लोगों ने अपनाइया हुई ने उही साडा लीडर आ उन्होंने साडे चो जाना तो ऑबवियस गल है ना तो असी ठीकरा उन्होंने सिर ते नहीं भन सकदे गे असी हरेक चीज़ तो टुट गए असी आपदे निशान साहब तो टुट गए असी आपदे रिलीजन तो टुट गए जो सानू कंसैप्ट दिता सी गुरु पातशाह ने कि मान लो जी असं बड़ा लंबा भी ना चलीए दो तीन गलों की गौर करिए कि जो सादगी की गल की है बाबे नानक ने सादा जीवन जो किरत करो नाम जपो वंड छको जो उस कंसैप्ट ही रहीए तो वह भी बहुत इन्ना कि ज़्यादा वधिया उहदे च लाइफ लंघ सकती है क्योंकि असी बाहर जाके देखिया कि बहुत कुछ बंदा बना लैंदा है सारी उम्र उन्हां चीज़ों के पिछे भजदा है एंड ते आके उन्हूं एहसास हुंदा है मैं ये गल नूं इदां नहीं कहूँगा कि मतलब कि प्रैक्टिकल तौर पर मैनूं लोग मिले है
बाहर जिन्होंने अपनी लाइफ इनवैसट करती ओके उन्होंने बहुत कुछ उत्थे शायद उन्होंने उस समय के उत्ते चीज़ा लगदिया सी कि असी शायद कुछ बना रहे हैं पर वह इस धरती तो दूर रह के उन्होंने उत्थे जो भी कुछ बिल्डअप कर लिया पर वो इतों दूर रह के उन्होंने कदे नहीं एहसास होया कि असी कुछ बनाया एट द एंड ते आके उन्होंने रिग्रैट ही किया है 100 दे 99 बंदिया ने हो सकता एक अद्धा कोई जिदे ते परमात्मा की कोई ज़्यादा ही कृपा रही होवे उन्हूं ना होया होवे पर होयागा पर इहदे च जो तुहाडा क्वेश्चन आयागा कि होंद होंद ते अज तो नहीं साढ़े ते अटैक हो रहा होंद गल ये है कि असी बखरे हाँ मान लो साढ़े पग भी नहीं बननी बट साढ़े च खून है जो गुलामी नूं तां बिल्कुल ही मतलब कि भी उन्हूं तां असी बिल्कुल ठकराउने आ क्योंकि साढ़े च गुरु पातशाह सारे दसां गुरुआं तों लैके जो भी साडी दसां गुरुआं की जोत आ गुरु ग्रंथ साहिब जी उहदा ओट आसरा लैके चली गए तो उहदे च साडा एक मनुख नूं मतलब कि गुरु साहब ने सानूं आजाद रह के जाउणा सिखाया तो उहदे करके साडी हुण ते ज़्यादा अटैक हुंदा रैदर दैन कि होर कम्यूनिटीज़ भी होर बहुत ज़्यादा सारे लोगों के अटैक क्योंकि जो नैशनलिज़म है ना उहदे राह दे विच सारीआं चीज़ां अड़चना ने चाहे कोई धर्म है चाहे कोई जात पात है जो भी है नैशनलिज्म उसके लिए सारिया चीज़ा अड़चना ने तो साडा तो है ही विलखण तो वो चीज़ा उन्होंने चुभदिया ने कि जे ये लोग राइज़ करनगे तो शायद के कोई ना कोई पैरल ऐसी कोई चीज़ गवर्नेंस टाइप कोई चीज़ आ सकती है आने वाले टाइम के क्योंकि जिमें आप मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब तो ओट आसरा लेके आप मानते हैं कि आने वाले समय के कदे साढ़े जो गुरुआं ने कहा गा कि वह साडा सिखां दा असली जो कि राज आऊगा को यह नहीं गा कि खालसे का राज का मतलब यही नहीं गा कि कोई साडा ही राज आऊ खालस का मतलब कि प्योर लोगों का किसी दिन राज आऊगा जिमें अज के समय लोग सानू साडा खून चूसन लगे हुए है एक मतलब कि भी लोग विरोधी सरकार ने यह कोई इतों की गल नहीं कि पंजाब या इंडिया के लोग विरोधी सरकार ने तो वह एक मतलब कि भी एक गैंग इकट्ठा हो चुका है जो कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड है इन्होंने एमाजोन अज तो मैं उसका कोई सबूत नहीं मेरे को पर मेरी अंदर अंतरात्मा कहती है कि हो सकता इन्होंने एमाजोन वर्गिया चीज़ा भी इन्होंने खुद जो कि किसी के पिछे ला के जिन्होंने आप इल्यूमिनाटी कह दें आप देखे नहीं उन्हां पिछे ला के वो चीज़ा साड़तियां होण कि शायद कल नूं असीं ऑक्सीजन भी बेचा करांगे वह धरती के फेफड़े सी सो चाहे वह अमेरिका राष्ट्रपति है चाहे ऑस्ट्रेलिया का है चाहे कितों का भी है चाहे चीन का आ गया चाहे इंडिया का आ गया सो सारा एक मतलब गैंग इकट्ठा होया सो जो कोई कारपोरेट वर्ल्ड के लिए जस्ट काम करता है राइट ना उन्होंने जो पॉलिसीज है वह सारिया कारपोरेट वर्ल्ड के लिए है स्ट्रक्चर जो आने वाले समय से बिल्डअप कर रहे हैं वो सारा कारपोरेट लिए है नथिंग फॉर अस जी बिल्ले भाई जे आप हुण पंजाब की तस्वीर करते हैं लोक लहर बन चुकी है जी बिल्कुल पर हुण गल्लां बड़ियां चल पईआं राजनीतिक पक्ष तो भी कोई पैर मार रहा है कोई समाजिक पक्ष तो मार रहा सिंगर भी पूरा जो ही कर रहे भी असीं पंजाब दे लई खड़े हाँ पर तुहानूं लगता गा भी जे इस कानून नूं रद्द किया जाता गा जां इस दे विच दो लाइनां ऐड कीतियां जांदियां पंजाबियां दा हल हो जूगा जे आपां डूंघे तौर दे उत्ते गल करिए ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੋਜੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਹੜਾ ਛੜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੈਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦੋਂ ਦਾਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ
हुण गल जिहड़ी हैगी सारी कित्थे जाके गल मुकदी आ वी जिहड़े उह कारपोरेट जिहड़े हैगे ने ना कारपोरेट सैक्टर ने उहनां नूं पता वी आउण वाले टाइम दा जिहड़ा सब तों वध ग्रो करन वाला बिजनेस है बाकी सारा कुछ तां उहनां दे हैगा ही आ कब्जे हणा उह खेती है खेती अपने अपने लिए खेती घाटे का सौदा हो सकती है क्यों क्योंकि आप दो दो पांच दस दस भी किल्लियां च बंडे हुए हैं जदों तुसीं खेती नूं एक जिवें आप सुनते हैं भी बाहरले मुल्कां दे विच खेती की जाती है बड़े फार्म हाउस बना के है ना बड़े बड़े हज़ार हज़ार पांच पांच हज़ार किल्लियां दे फार्म बना के चलो अपनी सरकार उस लई ते चली है पर इहदे विच की है भी जे यही चीज़ वो अपने थ्रू कराउण मान लो जे जिमीदार भुखा मर रहा है आपां मन्नदे हां भी कोऑपरेटिव फार्मिंग होऊगी जदों कोऑपरेटिव फार्मिंग मीनस जदों एक पिंड दी पैली इकट्ठी करके आपां उहदे ते खेती करांगे ते उहदे ते फूड प्रोसैसिंग भी करनी पैणी आ जे तुसीं खेती बचाउणी आ क्योंकि खेती तां ऑलरेडी खत्म हो चुकी आ तां इह जिहड़ियां दो चार चीज़ां ने खेती दी नीड ने फूड प्रोसैसिंग भी आपां करीए पर इह की चाहुंदे ने इह उही घाटे वाली खेती दा बहाना बना के अपने हत्थों खोह के उहनां नूं देणा चाहुंदे ने जिहड़े कारपोरेट घराणे ने हुण हो इह भी सकदा जे सरकार किसी तरीके सबसिडियां देवे सरकारी सहायता देवे तां जिहड़े पंजाब दे जिमीदार ने तुहानूं पता पंजाब के किसान इस लैवल इन्ने मेहनती बंदे ने भी उन्होंने पहाड़ों के भी पद्धर कर लिया उत्थे भी होने लग गए राजस्थान के रेत्या जाके भी उन्होंने फसलों होने लाती है ना भी मेहनती तो है ही आ हूँ अगली पीढ़ी जी सा जी जे आप गल करिए पीढ़ी चो कुछ ना कुछ पढ़े लिखे भी है भी तुम उन्होंने एक तरह ना आर्थिक सहायता दो सबसिडियां दो सेंटर सरकार दे पंजाब सरकार दे तो खेती कोऑपरेटिव तरीके चलाया जाए तो मेरे हिसाब से यह हल हो सकता पर यह जी आप गल की है ना ये भी कोऑपरेटिव फार्मिंग वाली ये पुछोगे जिन्हें आप बैठे हाँ प्रोटेस्टा है ना मेरे हिसाब से 10-20% लोगों को भी नहीं कुल मिला के अपनी जी मंग है ना अपनी मंग ही गलत है आपा ऑर्डिनेंस कैंसल करा के आप कुछ नहीं कर सकते आप खेती तो बदलनी बदलनी है हुण तुसीं देखो आ करोना पिछे सारा कुछ बंद रहा तालाबंदी रही है ना पूरी दुनिया बंद होगी सारे के सारे व्यापार बिजनेस घाटे चले गए खेती ने ग्रो किया ना पिछले टाइम तुसीं देखोगे जिहड़ियां भी पिछली बार आलू की फसल आई उहदी कीमत वधी हरेक चीज़ की मान लो खेती ने चंगी तरह ग्रो किया पर ग्रो करन दा फायदा जिमीदार नूं नहीं हुंदा क्योंकि आप ऑर्गनाइज नहीं हैगे है ना भी ये मेरे हिसाब नाल ये है भी कुछ तो जिवें तुसीं पहलां कहा भी अपनी भी घाट हैगी कल्ले अपने पॉलिटिशियन से ठीकर नहीं भन सकते है ना जो आप दिस रहा है पिछले 20-25 साल तो भी यह चीज़ किसी नहीं सिरे लग रही है ना तो आपको भी उस तरीके की स्टडी करनी चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए है ना तो एक बच्चे वाली गल तो मैं एक थोड़े होर गल जी साझी करना चाहना भी मैं एक गल होर फील करदा भी जी मान लो साड़ी पीढ़ी है असं मान लो 90 के आस पास के जो दहाके के बौर ना आप जो है ना अपने मन च कितना कि माड़ा मोटा दर्द खेतों लिए है आप हले भी खेतों बह के दुख सुख करते हैं जब कद बंदा उदास हों खेत चला जाता जो कि ज़्यादा खुश होंने तो आप पार्टी भी हले खेत बैठ के करते हैं अपने चीज़ हैगी है मैंने ये लगता जी अपनी अगली जनरेशन है ना उन्होंने इन्होंने बिल्कुल ही तोड़ दिता खेतों नालों स्कूलिंग हाई स्कूलिंग के नाते वधिया कॉन्वेंट स्कूलिंग के नाते है ना शाम को 4-5 बजे बच्चे आते हैं दूर पढ़ते हैं कोई वैन पर जाता कोई डे बोर्डिंग स्कूलों पढ़ रहा है ना तो मैंने नहीं लगता भी जी अगली पीढ़ी आ भी उन्होंने जी जो भी कोई चीज़ कॉरपोरेट घराने करते हैं ना बड़ी जबरदस्त प्लैनिंग करते हैं जे आप देखिए हुण तक उन्होंने जो किया है ना मान लो तुम अपने एक इस जी 21वीं सदी के महान शहीद होए संत जरनैल सिंह पिंडराला है ना उन्होंने आने के नाल एक बार अपनी जी एक अपनी इमेज है ना अपनी जी सिख कौम की भी आप जो गल करिए बड़ी सॉफ्ट जी इमेज बन गई है अपन लोग सुखमणी साहब तो जपजी साहब का पाठ करने वाली समझी जाते हैं भी सरबत्त का भला मनते हैं है ना ये है भी है चलो आप मनते भी हाँ मंगते भी हाँ पर वह जी एक अपनी सॉफ्ट के नाल जी एक अपनी दूजी दिख सी ना जी अपनी लड़ाई वाली अपनी खाड़कू दिख सी वो पिछले 20-25 साल तो इन्होंने रोलती आ जो संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले के आने वो चीज़ आई सी पर उदू बाद थोड़ा टाइम रही 5-7 साल फिर इन्होंने नशिया वाला सिस्टम चलाया फिर इन्होंने प्रवास वाला चलाया जो कारपोरेट किसी फील्ड आते हैं ना तो वो इन्नी तैयारी आते हैं अपन ये लगता भी अपने बच्चे अपन आईलैट्स करा के बाहर भेज रहे हैं वो सैटल हो रहे हैं वो सैटल नहीं हो रहे वो खाली किया जा रहा प्रोग्राम सारा पहला उन्होंने तो पहला नशिया चलाए जो नशिया के बेचारे बच बुच गए उन्होंने प्रवास करा के बाहर भेजता तो कुल मिला के उन्होंने ये समझ लिया अपने वालों भी हूँ जमा पूरी तैयारी है भी हूँ इन्होंने बंद ने विरोध नहीं करना इन्हों की यूथ है जी अगली पीढ़ी है निबड़ गई है पर उन्होंने भुलेखा दूर होया मेरे हिसाब से भी जो भी बचे खुचे सके इन्हें जबरदस्त तरीके विरोध किया अपने है ना बस वो इस चीज़ को ऑर्गनाइज़ करने की लड़ है तरीके जी अगवाई जिन्होंने देनी है बजुर्गों ने सारे उन्होंने मूँह नहीं देख रहे है ना तो मेरे हिसाब से विद्रोह होया हाले भी बची हुई है जे भाई आप विरोध वाला या विद्रोह वाला दोनों कंसैप्ट देखते हैं जी तुहानू यह नहीं लगता भी कित पंजाब नू एक होर खूह वालना धक्या जाए क्योंकि पंजाब पहला ही बड़िया मारा झेल चुकया गा मेरे खूह फिर मेरी गल सुनो खूह के आप वैसे भी धक्के हुए हैं जिहड़ा जिहड़ा एक संघर्ष का जिहड़ा विरोध का एक तरीका हुंदा ना जां एक अपनी अपनी तो चलो कौम की फितरत ही मन्नी गई है ना हुण तक कदे इधरों हमला हो गया आप बैठी इहे जिहे थावां ते भूगोलिक स्थिति पंजाब की इहो जी आ कदे इधरों चढ़े कदे इधरों चढ़े है ना मेरे कहने का मतलब यह सी एक तां विद्रोह हो गया एक विरोध हो गया फिर जां फिर लोगों नूं एक इदां ही जिदा हुण लोग किसान बैठे आ जां होर जथेबंदियां बैठियां भी उन्हां नूं तैयारी इदां करिए भी जां तां भाई तुसीं विरोध करना जां विद्रोह करना क्योंकि दोनों चीज़ों के कंसैप्ट वक्खो-वक्ख
ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੇ ਤਿਆਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਥੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਨਾ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਤੀਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਵਾਨੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਾ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰਗ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡੇ-ਐਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਾਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਉੱਧਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ 5-6 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਉੱਧਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2% ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2% ਕਿਸਾਨ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 2% ਦਾ ਬਸ ਉਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਰਕਬਾ ਗਾ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਰਚੀਲੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗੋਰਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਫੇਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ USA ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ
अदरवाइज़ मैनू जितों तक मेरा परसनल एक्सपीरियंस आ मैनू जिन्हें इंसान मिले है मैं ये ना सोचो कि असी जिमीदार सिख फैमिलीज़ तो बिलोंग करते हैं पंजाब तो हाँ जिन्ना कोई हिंदू वर्ग का भी मैं इंसान मिले मैं 100 के पिछों तो 100 ने ही मोदी नकारिया है। सो जो साडा अच्छ प्राइम मिनिस्टर है एड्डी एक रिस्पैक्टड जगह है तो उत्थे इंसान कोई बन के बह गया पर लोग जिहड़ा भी मिलता कहिंदा असी नहीं बनाया तो बनाउण वाले कौन सी। तो सो ये देखो भी किड्डा ज़्यादा ये हार्मफुल चीज़ है आने वाले समय के विच कि उन्हां कोल इन्ना स्ट्रक्चर है एडा ज़्यादा सैटअप है कि वह 100 करोड़ तो उपर वाले देश की आबादी के लोगों का माइंड सैट किस तरीके कर गए कि एक ऐसा मतलब कि भी ऐसा बछिंदा उन्होंने बचाले ला के खड़ा करता क्योंकि जो पॉलिसीज़ है जिहड़ियां आने आ रही ने ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है क्योंकि सारिया जिहड़ियां जिन्नियां भी वर्ल्ड दे विच गवर्नमेंट्स चलदियां ने तो वह वर्ल्ड बैंक के नाल चलदियां ने उन्होंने उन्होंने सिस्टम के नाल चलना पैंदा तो गाइडलाइनस तो वर्ल्ड बैंक तो आईया ने। बट मैनू लगता जे कोई सियाणा इंसान इत्थे इस समय के उत्ते हुंदा इहदा इस बंदे दा एटीट्यूड की है इस बंदे नूं लिआंदा ही इस तरीके नाल गया गा कि मैं तां तुहाडे उत्ते उत्ते गोडा रख के चीज़ करवाऊँ तुसीं टेंशन ना लो। मैं नोटबंदी की इस तरीके नाल की है मैं कश्मीर बंद करता मैं तो सांह बंद करते लोगों की गुंडागर्दी पंजाबी कदे बर्दाश्त नहीं करते गे सम यह गुंडागर्दी कर रहा है। मान लो कोई होर इंसान हुंदा सियाणप दे नाल शायद किसी तरीके दे नाल ये नीति सही तरीके अप्लाई करके तो लोगों भी वो मौका दिता कि नहीं जी थोड़े लिए भी असी यही ना सोचो कि अगले कारपोरेट सैक्टर लिए है। सो यह है कि उन्होंने कारपोरेट सैक्टर के लिए जाके जो अच्छे पॉलिटिशियन है दलाल ने जस्ट गोडे टेक देंगे उन्होंने कोई नैगोशिएशन नहीं करते कि असी सानू किसी ने चुन के भेजा होया असी उन्हों की भी गल करनी है। सो यह अज जिहड़ियां इह चीज़ां असी कर रहे हैं इन्हां दे कन्न ते जूं अज तां अज दे समय तक नहीं सरक रहीगी क्योंकि वह 2-3 हज़ार बंदे नूं मार के उत्थे बैठा वह तो हसदा ताड़ी मार के बट जे उहदे दिमाग दे विच इह चीज़ हैगी है कि शायद ये चीज़ां पर पंजाब ये रिएक्ट करदा हैगा असी रिएक्शन देवांगे और उहनूं सुननी पऊगी गल वो ये खुशी नूं भुल जाए साडे कोल गुरु साहब का साडे गुरु साहब की परमात्मा की ओट है कि असी अज इकट्ठे हैंगे वाहगुरु की बख्शिश हैगी साडे ते असी लड़ांगे और उहनूं अहसास करवावांगे कि तेरा होर किसी ना वाह पिया सी ठीक है तू आपदा कर गया बट इत्थे असी तेरे तो असी तैनूं रिएक्शन देवांगे इस चीज़ का। सो कहण दा मतलब ये हैगा कि ये गलत है जो भी हो रहा है भाई ने चंगी तरह सारा कुछ एक्सप्लेन करता भी किदा चीज़ा चल दियाँ या किदा वर्ल्ड दे विच सारिया चीज़ा वह भी इदा चल दियाँ अपने लिए एक नवी चीज़ आ जा कौम आ जिहड़े आपां किसी का जबर आ जां जुल्म आ जिहड़ा अपने ते हुंदा आपां बर्दाश्त नहीं करते। तुसीं लिखारी हो जांदे जांदे जिहड़े नवा यूथ आ उन्हां नूं की कहना चाहोगे भी आपां किस तरीके दे नाल धरनां ते आ रहे ने सारे नो डाउट धरनां ते पर जिहड़ा उह जज्बा गा उह किदां पैदा होगा क्योंकि धरनां ते ठीक आ पर कई बार असीं रात भी असीं इक थां गए सीगे उत्थे भी रात नूं मुंडे होर गल्लां जां गाने सुन रहे सी उन्होंने असी भी थोड़ा जहा टोकया भी इतने डिस्कशन आ जी इतने होर डिस्कशन होनी चाहिए हूँ यो सही टाइम नहीं जो इंजॉयमेंट का टाइम उदो तुम इंजॉय करो हूँ फिक्रमंद होना चाहिए गा भी जोड़ा वो जज्बा गा वो जज्बा किदा पैदा हो वह मेरे देखो जिमें जिमें माहौल होंगे ना हर चीज़ स्टैप बाय स्टैप होंगी है ना जिमें हूँ पिछले आप देखिए अज तो मान लो जो एक दहाका लंघिया पिछला है ना वह काफ़ी अपना जी है जी अपनी एजुकेशन लैवल से ला लो जी पंजाब की यूथ आ जिमें नशियां दे विच बड़ा रौला रप्पा पिया जां फिर तुसी जिमें तुसी जज्बे की गल की है ना बहुत अपनी जो मतलब गिरावट वल गई चीज़ा है ना तो अपनी जो फील आ जी अपनी जवानी का वह बहुत माड़ा रहा पिछले टाइम वर्ताव बहुत माड़ा रहा है ना तो जो योजे संघर्ष माहौल बनूगा ना जो हम तुम आने असं रामपुरे तो चल के आए हैं तुम आए हो थां थां धरने लगे हुए ने उत्थे है ना अपने बजुर्ग बैठे ने जो माहौल पैदा होंगे ना जिम्मे हूँ पिछले जे ला लो आप एक उन्होंने मैं भी सी जो आप यूथ को भंडते आप कलाकारों को भंडते होंगे है ना आप बहुत इन्हों मतलब जो ये चलो है भी सो चीज़ा नवाण वाल लेके गई हैं पर आप जो गल्ला करते होंगे हूँ देखो उ कलाकार ने हूँ देखो दो कलाकार इतने भी बैठे ने है ना वो हौली हौली स्टैप बाय स्टैप माहौल चलता चलो जे कोई है ना योजे यूथ भी है जो अज भी गाने सुनता है वो चलो जिन्ह के गाने सुनता है वो जो बंद खुद धरने जाकर बह जाते हैं तो हो सकता हौली हौली वो भी धरने आते आन जदों धरनिया से आने चंगिया गल्ला सुन गए हौली हौली चंगा पढ़ने वाले जाएंगे तो जज्बा अपने आप आऊगा है ना। बस ये गल जरूर है भी मैं थोड़ा पहला भी गल अपनी हुई है भी जी अपनी अगली पीढ़ी है ना उन्होंने बुरी तरह कट कर रहे हैं इन्होंने सारिया चीज़ों है ना उन
ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੋਹ ਬਣਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਕੁਛ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਉਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਹੇ ਚਾਹੇ ਅਡਾਨੀ ਵਾਹੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 60% ਖੜੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਝੰਬੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਿੱਲੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਧੰਨਵਾਦ